नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्या इसका भी फैक्टर करना होगा, 1 + 3x - x2। देखना ना, सारा जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चला सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मैं 1 माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का 3x हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ पे कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × x × 3/2, 3/2 का स्क्वायर जोड़ो और फिर एक बार घटा दो। फॉर्मूले पे सेट करने के लिए ऐसा करना है तो 1 माइनस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/4। इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं तो 9 और 4 13/4 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर तो यह हो जाएगा √13/2 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए अब यहाँ पे रख देते हैं इंटीग्रेशन रूट अंडर, इसी का ना निकालना है, यही ना है आपका 1 − 3x − x2 dx। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर, इसको लिख देते हैं 13√13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। तो देखो तो ये आपका x a के जगह है, ये x के जगह, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है तो पुट करने की कोई जरूरत नहीं होता है, होगी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा x बाई 2 यानी कि x माइनस 3/2/2 रूट अंडर √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि √13/2 का स्क्वायर और बट्टा में 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 3/2 और बटा में √13/2 और प्लस में सी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ ठीक रहेगा आपका, तो ऊपर आ जाएगा 2x - 3 और यहाँ पे 2 नीचे है और इसके भी बटा में यहाँ पे 2 है, फिर रूट अंडर इसको सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा आपका 1 + 3x - x2, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्वायर करोगे तो 13/4 ये जाके उल्टा गुना करेगा तो 13/8 हो जाएगा, साइन इनवर्स ऊपर भी एलसीएम ले लो 2x - 3 और बटा में √13/2 प्लस में ये 2 से 2 कट जाएगा और ये इसके साथ गुना कर जाएगा तो 2x या बराबर में देते हैं 2x - 3/4 √√1 + 3x - x2 + 13/8 साइन इनवर्स 2x - 3/√13 और प्लस में सी, इसका आंसर आ गया, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन